स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ अकबर क्लासेस। अकबर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। वी आर डिस्कसिंग क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर और अब तक हमने डिस्कस किया है इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। इसमें जो हमने पहला पार्ट किया था इसमें हम डिस्कस किए थे क्या कि कोई सॉलिड और लिक्विड इन दोनों के बीच में इंटर कन्वर्जन कैसे होता है और उन प्रोसेसेस के नाम क्या हैं और वो प्रोसेस होता कैसे है कि सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है तो क्या क्या बातें होंगी, लिक्विड सॉलिड में चेंज हो रहा है तो क्या क्या बातें होंगी। इससे रिलेटेड हमने क्या क्या पढ़ा था, लेटेंट हीट के बारे में पढ़ा था, मेल्टिंग पॉइंट पढ़ा था, फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ा था। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड ऑल सच टॉपिक्स। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप ज़रूर हमें बताएं। आप में से बहुत सारे बच्चे कॉमेंट कर रहे थे कि क्या सर आप वादा करते हैं कि वीडियो लेके आएंगे आप लेकिन लाते नहीं हैं। तो मैं बता दूं कि वी आर नॉट प्रोफेशनल यूट्यूबर, तो हमें हो सकता है कभी कभी देर हो जाए। हम अपने कामों को छोड़ के कभी कभी यूट्यूब पे लेक्चर्स बनाते हैं ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो। अरे बात समझ में, तो ये कभी जल्दी आ सकता है कभी देर से आ सकता है कि प्रॉमिस हम करेंगे और उसको पूरी तरह निभाएंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है, कोशिश पूरी तरह से करेंगे। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस लेक्चर टुडे, वी विल डिस्कस द इंटर कन्वर्जन बिटवीन द इंटर कन्वर्जन बिटवीन लिक्विड एंड गैस। ओके, लिक्विड और गैस के बीच में इंटर कन्वर्जन को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इफ़ यू आर हैविंग, अगर मैं बहुत सिंपली बताऊँ आपको, अगर आपके पास एक लिक्विड है, दिस लिक्विड कैन गो इनटू इट्स वेपर स्टेट। ओके, लिक्विड अगर वो ओरिजिनल में रह ओरिजिनल स्टेट में होता है तो उसको हम गैस नहीं बोलेंगे। इवन दो ये गैस की तरह बिहेव करेगा लेकिन ये वेपर कहलाएगा क्योंकि ये ओरिजिनल लिक्विड है। इस लिक्विड का गैसेस स्टेट स्पेशली क्या कहलाता है, वेपर कहलाता है। एंड दिस वेपर कैन गो इनटू द लिक्विड स्टेट। ठीक है, इसी तरह से अगर आपके पास ओरिजिनली कोई गैस है, ओके, दिस वेपर इज द गैसियस फॉर्म ऑफ अ लिक्विड। अब हमारे पास कोई प्योर गैस है जो ओरिजिनली गैस होता है, ये गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है। नाउ दिस लिक्विड इज द लिक्विड फॉर्म ऑफ अ गैस, इसको आप क्या बोलेंगे, लिक्विड फॉर्म ऑफ अ गैस। ओके, द गैस इज कन्वर्टिंग इनटू द लिक्विड, दिस इज द लिक्विड फॉर्म ऑफ अ गैस एंड दिस लिक्विड कैन ऑल्सो गो इनटू द गैसियस स्टेट, तो इसको आप क्या बोलेंगे, ये आपका ओरिजिनल गैस हो गया। अब ये बात आप समझिए, लिक्विड जब वेपर में कन्वर्ट होता है तो इसको आप क्या कहते हैं, वेपोराइजेशन। क्या कहते हैं, नाम ही से पता चल रहा वेपर बन रहा है तो वेपोराइजेशन। एंड व्हेन द वेपर इज चेंजिंग इनटू द लिक्विड स्टेट, क्योंकि ये ओरिजिनली लिक्विड था तो ये वेपर लिक्विड स्टेट में जब कन्वर्ट होगा इस प्रोसेस को आप क्या बोलेंगे, दिस प्रोसेस इज नोन एज कंडेंसेशन। ठीक है, अब आपके पास कोई गैस है, इस गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे, ओरिजिनली गैस उसको लिक्विड में कन्वर्ट करना है, ओरिजिनली गैस लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए हमारे पास प्रोसेस होता है लिक्विफैक्शन। दिस इज लिक्विफैक्शन एंड व्हेन द लिक्विड इज कन्वर्टिंग इनटू द गैस इसको आप क्या कह सकते हैं, फिर से आप इसको वेपोराइजेशन कह सकते हैं, लेकिन ये वेपर नहीं है ओरिजिनल गैस है तो आप इसको कह सकते हैं एक्सपेंशन। ओके, एक्सपेंशन। अब मैंने नया टर्म इंक्लूड किया, ऐसे किताबों में आपको लिखा नहीं रहेगा क्योंकि आप जो लिक्विड आपके पास होता है दिस इज द कंप्रेस्ड फॉर्म। व्हेन अ गैस इज कन्वर्टिंग इनटू द लिक्विड स्टेट इट मीन्स इट इज इन कंप्रेस्ड फॉर्म, तो प्रेशर को जब रिलीज करेंगे तो एक्सपेंड करेगा एंड यू गेट द गैस। तो मैंने नई नई बातें आपको बताई ताकि आप समझ सकें। क्लियर हो गई बात, यहां ओरिजिनली लिक्विड था यहां ओरिजिनली गैस था। लिक्विफैक्शन का स्पेलिंग देख चेक लेते हैं हम लोग, LIQUE लिक्विफैक्शन। ओके, नाउ लिक्विफैक्शन एंड वेपर कंडेंसेशन में क्या फर्क है ये हम जानेंगे। एक है लिक्विफैक्शन और एक है कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन में किसी ओरिजिनल गैस को लिक्विड में
कन्वर्ट नहीं करते हैं, बल्कि उसी लिक्विड के वेपर स्टेट को फिर से लिक्विड में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। तो कंडेंसेशन में क्या होता है और लिक्विफैक्शन में क्या होता है, उससे पहले हम डिस्कस करेंगे कि ये वेपोराइजेशन क्या है। वेपोराइजेशन क्या है? अब वेपोराइजेशन, जब कोई लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो, अब वेपोराइजेशन लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट होना दो प्रोसेस हो सकता है। क्या है? कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस, कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस। व्हाट इज दिस? दिस इज कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर। किसी लिक्विड का उसके वेपर में कन्वर्ट होना क्या कहलाएगा? वेपोराइजेशन। एंड दिस कैन बी डन बाय टू मेथड्स। वन इज इवापोरेशन, वेरी वेरी कॉमन इवापोरेशन, और दूसरा आपका बॉइलिंग। आपने दोनों नाम अच्छे से सुने होंगे, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? विल डील विद दिस कि वेपोराइजेशन में आप लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट कर रहे हैं, बट हमारे पास तरीके दो होंगे, एक कहलाएगा इवापोरेशन, एक कहलाएगा बॉयलिंग। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। इसको आप लिखें, फिर मैं डिस्कस करूंगा कि डिफरेंस क्या है इवापोरेशन और बॉयलिंग के बीच में। ओके, बढ़ते हैं आगे। वी हैव टू सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग एंड इवापोरेशन। क्या डिफरेंस है? तो आप दो सेक्शन ले लें इस बोर्ड का। एक तरफ आप लिखें इवापोरेशन, इसमें आपका डेफिनेशन भी आ जाएगा और डिफरेंसेस भी आ जाएंगे, और इधर आप ले लेंगे बॉइलिंग। इसके बारे में बेसिक्स तो आपने क्लास 7 में पढ़ रखे हैं। इवापोरेशन, इवापोरेशन होता क्या है? जब कोई लिक्विड, इफ़ द लिक्विड इज़ वोलाटाइल, वोलाटाइल किसे कहते हैं? ऐसा सब्सटेंस जो वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो सकता है, अगर उसको ऐसे कंडीशंस मिल जाए और वो वेपर स्टेट में कन्वर्ट होने के लिए कैपेबल हो, सच सब्सटेंसेज आर कॉल्ड वोलाटाइल सब्सटेंसेज। तो अगर कोई वोलाटाइल लिक्विड है, आपने उस वोलाटाइल लिक्विड को किसी ओपन कंटेनर में रखा, देन द लिक्विड कीप्स ऑन इवापोरेटिंग, वो लिक्विड इवापोरेट करेगा। अब ऐसा क्यों होता है? आपने उसको हीट नहीं किया। होता क्या है कि सराउंडिंग में जो हीट होता है एज कम्पेयर टू दैट वेरी लिक्विड, वो ज़्यादा होता है। तो हीट हमेशा हाइट ज़्यादा होने का मतलब सराउंडिंग का जो टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा होता है हमेशा, और किसी पर्टिकुलर लिक्विड का टेम्परेचर कम होता है नॉर्मल कंडीशन में। तो टेम्परेचर जहाँ कम हो और टेम्परेचर किसी रीज़न में ज़्यादा हो, तो हीट का फ्लो शुरू होता है। यू ऑल वेरी वेल नो कि हीट फ्लो करता है, हीट हैज़ द टेंडेंसी टू फ्लो फ्रॉम द हायर टेम्परेचर रीजन टू द लोअर टेम्परेचर रीजन। फॉर एग्जाम्पल, यू आर हैविंग दिस रॉड एंड यू आर हीटिंग दिस एंड, देन ग्रेजुअली द हीट विल ट्रांसफर टू दिस एंड। द एंड विच आर बीइंग हीटेड has high temperature and the end which is not being heated has low temperature, and hence the heat is being transferred from the higher temperature region to the lower temperature region. This is what happens when you are having a heat, or heat hamesha transfer karta hai energy ko, jab bhi ek direction se dusre direction mein jana hai, ek body se dusre direction mein, dusre body mein jana hai, to kiska form le leta hai? Heat ka form leta hai. To aap kehte hain heat is a mode of transfer of energy, aur ye kab hoga? When there is a temperature difference, it will always transfer from the higher temperature region to the lower temperature region. तो आपके पास, मैंने क्या कहा कि आपके पास एक लिक्विड है और सराउंडिंग का टेम्परेचर हाई है, लिक्विड का टेम्परेचर कम है, तो सराउंडिंग से हीट लिक्विड में आएगा। अब लिक्विड का जो लिक्विड का सरफेस जो है वो क्या है? डायरेक्ट सराउंडिंग के कॉन्टैक्ट में है, तो दिस हीट विल बी एब्जॉर्ब बाय द सरफेस ऑफ द लिक्विड। लिक्विड का सरफेस क्या करेगा? उस हीट को एब्जॉर्ब करेगा, एंड हेंस द पार्टिकल्स प्रेजेंट एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड विल गेन मच एंड मच एनर्जी, एंड दिस एनर्जी विल बी यूज टू इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सरफेस मॉलिक्यूल्स। अब सरफेस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो गई एज कम्पेयर टू द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। आपका पूरा का पूरा लिक्विड का एक एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी सबका मिला के,
उस एवरेज से सरफेस की काइनेटिक एनर्जी, सरफेस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो गई। अब जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो गई, इट हैज़ द टेंडेंसी टू एस्केप, एंड हैंस आप देखते हैं कि ये पार्टिकल सरफेस को एस्केप कर जाता है, इवन दो दिस प्रोसेस इज़ वेरी स्लो, ये बहुत ही स्लो होता है, कभी कभी आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, बट इट गोज ऑन कंटिन्यूसली, ये चलता रहता है। क्यों? क्योंकि हमेशा सरफेस के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी एज कम्पेयर टू दी होल लिक्विड उसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा होगी, और जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी वो सरफेस में है और वो फ्री सरफेस है और ये मूव कर सकता है और ये एस्केप कर जाता है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवापोरेशन। तो सरफेस में होता है, तो इवापोरेशन कहाँ पर होता है? सरफेस में होता है। तो आप बोलेंगे द कन्वर्जन ऑफ अ लिक्विड इनटू इट्स वेपर स्टेट, ये तो होना ही है। अब होगा कहां से? फ्रॉम द सरफेस ऑफ इट। अभी किस टेम्परेचर में होता है? ऑब्वियसली बात है, दिस इज नॉट हैपनिंग एट अ फिक्स टेम्परेचर, इसके लिए आपको सब्सटेंस को हीट करने की जरूरत नहीं, आप नहीं कर रहे, ये खुद हो रहा है सराउंडिंग के हीट की मदद से। एट एनी टेम्परेचर अब ये टेम्परेचर कितना हो सकता है मैक्सिमम? तो अगर उस लिक्विड का एक स्पेसिफिक बॉइलिंग पॉइंट होगा, उससे पहले होगा। द कन्वर्जन ऑफ अ लिक्विड इनटू इट्स वेपर स्टेट फ्रॉम द सरफेस ऑफ इट एट एनी टेम्परेचर बिलो द बॉइलिंग पॉइंट, बिलो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इट। आप समझ गए मेरी बात? यानी कि आप इसको अगर दूसरा पॉइंट लिखना चाहेंगे तो आप कह सकते हैं इट इज अ सरफेस फेनोमेनन। ये कैसा, कैसी बात है? ये सिर्फ सरफेस में होता फेनोमेनन। समझ गए मेरी बात? अब अगर मैं बॉइलिंग को इसके कंपैरेटिवली डिफाइन करने की कोशिश करूं, तो दिस इज ऑल्सो द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू इट्स वेपर स्टेट, कन्वर्जन ऑफ द प्रोसेस, यहां लिखते हैं द प्रोसेस, बिकॉज दिस इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ लिक्विड इनटू इट्स वेपर स्टेट, ओके, फ्रॉम द बल्क ऑफ इट, from the bulk of it at a fixed temperature, okay, and fixed external pressure, very much clear. क्या कह रहा हूँ मैं कि दिस प्रोसेस इज हैपनिंग एट द सरफेस, एंड व्हाई इज दिस प्रोसेस हैपनिंग? आई हैव टोल्ड यू द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू इट्स वेपर स्टेट फ्रॉम द बल्क ऑफ इट। आप जब किसी लिक्विड को बॉयल करेंगे, व्हाट यू डू, यू आर हीटिंग द लिक्विड। अब मान लेते हैं आपका लिक्विड 30 डिग्री सेल्सियस पे, और उससे भी कम है, 20 डिग्री सेल्सियस पे है, मान लेते हैं, लेट्स सपोज इट। अब आपने हीट करना शुरू किया, दिस हीट एनर्जी विल चेंज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, मूवमेंट आएगा, वाइब्रेशन होगा, उसमें मॉलिक्यूल एगिटेट करेंगे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। इसके कॉन्सिक्वेंसेस में क्या होता है? टेम्परेचर रेज करता है एज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इंक्रीजेज। पहले आप क्या करेंगे? हीट करेंगे, हीटिंग की वजह से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ेगा। अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, तो आपके पास अगर वाटर है, सपोज यू आर हैविंग अ वाटर, तो 100 डिग्री सेल्सियस तक उसका क्या करेगा? टेम्परेचर बढ़ेगा। अब पूरा का पूरा वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो गया, कहीं कम कहीं ज़्यादा नहीं। यहाँ क्या था? सरफेस में टेम्परेचर ज़्यादा था, यहाँ पर क्या, पूरा का पूरा वाटर में, पूरे के पूरे लिक्विड में टेम्परेचर एक हो गया, तो फिक्स टेम्परेचर में पहुँच गया। उसके बाद सबके पास एक ही एनर्जी हो गई, बराबर की एनर्जी हो गई। अब पूरे बल्क में एक प्रोसेस होना शुरू हो जाएगा, यानी कि सब मॉलिक्यूल्स चाहेंगे कि हम वेपर स्टेट में जाएं, लेकिन ऑब्वियस है कि सारा तो एक साथ निकल नहीं सकता है,
कुछ कुछ जिसको मौका मिलेगा वो निकलेगा, लेकिन ये स्पेसिफिकली ऐसे नहीं होता कि सरफेस में हो रहा है, बस जिसको मौका मिल रहा है वो जा रहा है। बट एट दैट वेरी टाइम सबके पास बराबर एनर्जी होती है, समझ में आ रही बात। यानी कि जब बॉइलिंग प्रोसेस होता है सबके पास एक ही तरह की एनर्जी होती है, यहाँ इवापोरेशन जो प्रोसेस होता है सरफेस की एनर्जी ज़्यादा होती है, इसीलिए इसमें हमने क्या लिखा, इट इज़ द बल्क, बल्क में होता है, एक साथ होता है और टेम्परेचर फिक्स हो जाता है और जो एक्सटर्नल प्रेशर होता है जिसके खिलाफ इसको लड़ाई करनी पड़ती है उसको भी फिक्स होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि वो बदलते जा रहा तो बदलेगा, तो यहाँ भी टेम्परेचर को बदलना पड़ेगा, तो एक्सटर्नल प्रेशर भी फिक्स होना पड़ता है और जब ये प्रोसेस होगा तो वो टेम्परेचर फिक्स हो जाएगा और पूरे के पूरे बल्क ऑफ द लिक्विड की एनर्जी सेम हो जाएगी। दैट इज़ वाई आई टोल्ड हियर बल्क। तो यानी कि इसको आप कह सकते हैं इसी बात को दूसरे तरीके से, इट इज़ अ बल्कियर फेनोमेनन। समझ पाए मेरी बात? अब ध्यान रहे, जब आपका टेम्परेचर फिक्स हो जाएगा उसके बाद भी आपको हीट करना पड़ता है और वो हीट छुपा हुआ हीट है जो उसको कन्वर्ट करता दूसरे स्टेट में, और उस हीट को आप कहते हैं लेटेंट हीट। यहाँ ऐसी इस तरह का कोई लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, हेयर यू आर हैविंग द कॉन्सेप्ट ऑफ लेटेंट हीट। डिफरेंस समझ में आ रही है बात? अब देखें, दिस प्रोसेस जनरली इज अ स्लो प्रोसेस। ये क्या है, कैसा प्रोसेस है? स्लो प्रोसेस है, और ये प्रोसेस हमेशा क्या होगा, फास्ट प्रोसेस होगा। दिस इज योर फास्ट प्रोसेस, ओके। एक प्रोसेस फास्ट हुआ, एक प्रोसेस स्लो हुआ। क्यों फास्ट हुआ, क्यों स्लो हुआ, आपको समझ बिल्कुल आ रहा है। यहां सबकी एनर्जी सेम है, यहां सिर्फ सरफेस की एनर्जी ज्यादा है, तो जहां सबकी एनर्जी ज्यादा हो गई एक टेम्परेचर में जाके वो प्रोसेस ज्यादा फास्ट होगा, ओके। अब क्या होता है, जब भी इवापोरेशन प्रोसेस होता है तो सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब किया जाता है, द हीट इज बीइंग एब्जॉर्ब फ्रॉम द सराउंडिंग एंड हेंस द सराउंडिंग बिकम्स कोल्ड। तो आप क्या कह सकते हैं कि इसकी वजह से कौन सा इफेक्ट होता है, इवापोरेशन कॉजेज कूलिंग इफेक्ट, ओके, कूलिंग इफेक्ट। और यहां आप क्या बोलेंगे, इट डजंट कॉज कूलिंग इफेक्ट, इट डजंट कॉज एनी कूलिंग इफेक्ट। समझ में आ रही बात? इनफैक्ट जहां बॉइलिंग प्रोसेस होता है वो सराउंडिंग और गर्म हो जाता है, क्योंकि आप अलग से हीट सप्लाई करते हैं, दैट हीट ऑल्सो गोज इन टू द सराउंडिंग, नॉट ओनली द सिस्टम, सराउंडिंग में भी जाता है, इसलिए इसके वजह में कोई कूलिंग इफेक्ट नहीं है, यहाँ कूलिंग इफेक्ट है। वट एल्स वी कैन राइट, ठीक है, आई थिंक वी हैव मैंशनड ऑल द पॉइंट्स, ठीक है। अब हम इवापोरेशन आपका पूरी तरह क्लियर हो गया, नाउ वी विल डील विद बॉइलिंग, क्योंकि बॉइलिंग में हमारा एक फिक्स टेम्परेचर आता है, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट। तो हम देखते हैं कि ये बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, आई थिंक यू हैव गॉट ऑल दीज थिंग्स। अब आगे हम बढ़ते हैं बॉइलिंग पॉइंट की तरफ, वॉट इज दिस बॉइलिंग पॉइंट, लेट्स अंडरस्टैंड दिस बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा, आई डोंट थिंक समझ नहीं आ रहा होगा, आप लिख लें इसको, लिखा जाना चाहिए हमेशा, अगर आप नहीं लिखेंगे तो बड़ी दिक्कत होगी। When you are making notes, it means आप एक बहुत बड़ा हथियार तैयार कर रहे हैं और वो हथियार कभी भी बहुत तेज़ी से चल सकता है, ठीक है। Notes are very important for you to revise things very quickly. आप कई घंटे की चीज़ों को कई मिनटों में रिवाइज कर सकते हैं if you are making good notes. तो try to make notes, okay? या तो मेरे लेक्चर्स के नोट्स बनाएं या तो आप किताब को पढ़ के नोट्स बनाएं, but you should have notes. ओके ओके, बॉइलिंग पॉइंट को समझने के लिए लेट मी टेक एन एग्जांपल। मान लेते हैं ये हमारा एक बीकर है, इसमें आपका लिक्विड है, ओके, दिस लिक्विड, ओके। नाउ यू आर हीटिंग दिस, क्या कर रहे हैं आप, हीट कर रहे हैं। अब इसको हीट करेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, पहले तो आपका यहाँ पर कुछ वेपर्स हैं, ओके, सरफेस के मॉलिक्यूल्स वेपर में जा रहे हैं सिर्फ, ये वेपर है मान लेते हैं। तो ये जो वेपर है, इन वेपर की वजह से जो प्रेशर होगा, इस प्रेशर को आप क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर, क्या बोलेंगे, वेपर। सबसे पहले आपको क्या जानना है, बिफोर गोइंग टू बॉइलिंग पॉइंट आपको जानना है व्हाट इज दिस वेपर प्रेशर।
तो वेपर प्रेशर क्या है? प्रेशर एग्जर्टेड बाय द वेपर फेज ऑफ अ लिक्विड. एक लिक्विड है, हर लिक्विड के सरफेस में वेपर होता है. एवरी लिक्विड हैज इट्स वेपर ऑन इट्स सरफेस, क्योंकि वो वोलाटाइल होता है. अब वो वेपर क्या करता है? प्रेशर एग्जर्ट करता है अपवर्ड डाउनवर्ड. अगर आप इसको बंद कर देंगे कंटेनर को तो सब तरफ क्या करेगा? इक्वल प्रेशर एग्जर्ट करेगा. अगर ओपन कर देंगे तो वो एस्केप कर जाएगा. तो सपोज ये कंटेनर क्लोज है, तब वो वेपर प्रेशर हो जाएगा पूरी तरह से. आप उसको क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं. अब जब इस कंटेनर को खोल देंगे तो वो वेपर प्रेशर क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है, तब वो एस्केप करने लगता है. लेकिन जब आप बॉयल करेंगे तो इस वेपर प्रेशर को पूरी तरह से किसके बराबर होना पड़ता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होना पड़ता है. और जिस टेम्परेचर में दोनों प्रेशर बराबर हो जाएगा उस समय इस लिक्विड का टेम्परेचर कहलाएगा बॉइलिंग पॉइंट. क्या कहलाएगा? बॉइलिंग पॉइंट. अब जब वो बराबर हो गया, उसके बाद जो एनर्जी आप देंगे वो एनर्जी क्या करेगा? उन मॉलिक्यूल्स के पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ा देगा और तब वो फिर चला जाएगा एटमॉस्फेयर में. यानी कि फर्दर जो एनर्जी देते हैं उसको आप क्या कहेंगे? लेटेंट हीट कहेंगे. सबसे पहले हम क्या सीख जाएंगे? बॉइलिंग पॉइंट. तो बॉइलिंग पॉइंट में वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ इक्विलिब्रियम में आना पड़ता है. समझ पाए मेरी बात कि नहीं? यानी कि जब भी आपका कोई बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे तो आप क्या बोलेंगे? द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम्स equal to the atmospheric pressure. अब remember, हमारे पास जो atmospheric pressure होता है ये fix होता है, और ये atmospheric pressure कभी कभी external pressure भी हो सकता है. तो instead of writing atmospheric pressure, यहाँ आप external pressure भी लिख सकते हैं, क्योंकि this can vary situation के हिसाब से. the temperature at which the vapor pressure of a liquid becomes equal to the atmospheric pressure is called boiling point. इसको आप क्या बोलेंगे? boiling point बोलेंगे. यानी कि जब भी आपको boiling point define करना, मतलब दो प्रेशर है जिसको बराबर होना है. वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होना पड़ेगा. उसके बाद वो शुरू होगा प्रोसेस. यानी कि उसके बाद जब प्रोसेस शुरू होगा तो किसका कौन सा हीट आएगा? अब वो जो हीट एब्जॉर्ब हो रहा है बॉइलिंग पॉइंट में, जो हीट एब्जॉर्ब हो रहा है कन्वर्जन के लिए, द हीट विच इज बीइंग एब्जॉर्ब एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर फॉर द कन्वर्जन ऑफ द स्टेट इज नोन एज लेटेंट हीट. लेकिन इस लेटेंट हीट को हम यहाँ क्या बोलेंगे? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, क्योंकि यहाँ वेपर में कन्वर्ट हो रहा है. अब लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को अगर आपको डिफाइन करना पड़ेगा तो यू से कि आपका पास एक वो हीट है जो उसको कन्वर्ट करने में इस्तेमाल हो रहा है. उससे पहले टेम्परेचर बढ़ रहा था, उससे पहले जो हीट दे रहे थे टेम्परेचर बढ़ा. अब टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, अब वो कन्वर्ट होगा. तो ये रिक्वायर्ड हीट है, इट इज़ द रिक्वायर्ड हीट. समझ में आ रही बात? क्या बोलेंगे? इट इज़ द रिक्वायर्ड हीट. वेरी गुड. रिक्वायर्ड हीट टू कन्वर्ट 1 kilogram ऑफ अ लिक्विड. सबसे इम्पोर्टेंट बात यह होगा कि हम लोग लिक्विड के मास को क्या करते हैं? फिक्स कर दिए. द रिक्वायर्ड हीट, इट इज द रिक्वायर्ड हीट टू कन्वर्ट 1 kilogram ऑफ लिक्विड कंप्लीटली इनटू इट्स वेपर स्टेट. ओके, वेपर स्टेट. अब ये कब होगा? जैसा कि आपका लिक्विड इवेपोरेट भी तो करता है, उस वक्त अगर 1 kilogram आपका लिक्विड इवेपोरेट किया तब ये लेटेंट हीट नहीं है. ये कब है? जब आपके पास टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट में हो, यानी कि जब बॉइलिंग हो रहा है तभी ये नाम होगा. लेटेंट हीट इवेपोरेशन के कॉन्सेप्ट में नहीं जाता. इट इज़ द रिक्वायर्ड हीट टू कन्वर्ट 1 kilogram ऑफ अ लिक्विड कंप्लीटली इनटू इट्स वेपर स्टेट एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट एंड एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर. कैसा समझ आया? कि आपका प्रेशर भी क्या होना पड़ेगा? नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर,
और आपके पास लिक्विड कितना होना पड़ेगा 1 किलोग्राम, टेम्परेचर क्या होगा उसका, बॉइलिंग पॉइंट, उसमें जो उसको पूरी तरह से कन्वर्ट करने के लिए जो हीट लगता है, यानी कि किसी लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट में पहुंचने के बाद उसके 1 किलोग्राम को पूरी तरह से वेपर स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट लगता है दैट इज़ कॉल्ड लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। यानी कि इसको यूनिट अगर आप लिखना चाहेंगे द यूनिट ऑफ दिस कैन बी रिटन एज किलो जूल पर किलोग्राम, ये इसका यूनिट होगा किलो जूल पर किलोग्राम। किलो जूल एनर्जी का यूनिट हो गया आपका 1 किलोग्राम के लिए पर किलोग्राम। आई थिंक यू हैव गॉट ऑल ऑफ माई पॉइंट्स। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट समझ आ गया, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन समझ आ गया। बॉइलिंग पॉइंट को आप सिंपली बोल सकते हैं जिस टेम्परेचर में बॉयल हो रहा है, बट दिस इज द अनदर एस्पेक्ट ऑफ द डेफिनेशन एंड दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। ओके, अब वो कौन सी बातें हैं जो बॉइलिंग पॉइंट को बदल सकता है, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट कैन अफेक्ट द वैल्यू ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड, है ना, क्या क्या बातें हैं। देखिए, जिस पार्ट को मैं अभी केमिस्ट्री का पढ़ा रहा हूँ ये एक्चुअली पूरा फिजिक्स से रिलेटेड है, तो यू हैव टू थिंक लॉजिकली, फिजिकली आपको सोचना पड़ेगा, फिजिक्स के अकॉर्डिंग आपको सोचना पड़ेगा। तो जो फैक्टर्स हैं वो क्या क्या हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉइलिंग पॉइंट को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स क्या क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहली जो बात है वो है इफेक्ट ऑफ प्रेशर, क्योंकि वेपर स्टेट में जा रहा है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या होगा, अगर आप प्रेशर को बढ़ाएंगे, इफ एक्सटर्नल प्रेशर इज इंक्रीज्ड देन व्हाट क्या होगा, अगर एक्सटर्नल प्रेशर को आपने बढ़ा दिया, तो लिक्विड का वेपर प्रेशर को भी बढ़ना पड़ेगा। अब लिक्विड के वेपर प्रेशर को बढ़ने के लिए जिस टेम्परेचर में वो वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर था, उस टेम्परेचर में वो बराबर नहीं होगा, तो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू सप्लाई मोर हीट एंड दैट हीट विल बी यूज्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड। अब टेम्परेचर को बढ़ाना मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, यानी कि एक्सटर्नल प्रेशर जब बढ़ा देते हैं जिस टेम्परेचर में एक्सटर्नल प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो रहा था, दिस विल हैपन नो मोर, अब आप हाइयर टेम्परेचर में जाके बात करेंगे। समझ में आ रही बात, यानी कि एक्सटर्नल प्रेशर जो ही बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट विल डेफिनेटली इंक्रीज, बॉइलिंग पॉइंट विल बी इंक्रीज्ड। समझ में आई बात, एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा एंड वाइस वर्सा, घटाएंगे तो घटेगा, बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा। इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं कि आपके पास एक प्रेशर कुकर है, ओके, इस प्रेशर कुकर में आपका खाना जल्दी पक जाता है। व्हाई दिस हैपेंस, क्योंकि प्रेशर कुकर में एक्सटर्नल प्रेशर आपने बढ़ा दिया, ढक्कन लगा दिया, एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ गया। अब एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ने की वजह से खाना इसके अंदर जल्दी पक जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो लिक्विड आपने लिया उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, मतलब ये हीट एब्जॉर्ब करने के बाद सीधे वेपर स्टेट में नहीं जाएगा, बल्कि ये हीट को ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा, और जितना ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा हीट को ये, उतना ज़्यादा खाना गलेगा, यानी कि उतनी आसानी से खाना गलेगा। अगर आप इसी कंटेनर के ढक्कन को हटा देंगे तो ये लिक्विड जो हीट एब्जॉर्ब करके वेपर स्टेट में चला जाएगा। तो जब आपके पास एक्सटर्नल प्रेशर कम होता है, इन दैट वेरी कंडीशन द हीट is used to convert the liquid into its vapor state, but in case of the pressure cooker the pressure is very high, so the liquid which is inside the container is absorbing the heat more and more, aur jitna zyada heat absorb karega wo vapor state mein convert hone se pehle utna zyada khana ko pakayega। samajh aa rahi baat, to isiliye pressure cooker mein khana jaldi pak jata hai, lekin ab पहाड़ों में चले गए आप, वहाँ आप खाना बना रहे हैं, मान लेते किसी कंटेनर में, ओपन कंटेनर में, यहाँ घर पे बना रहे हैं, तो पहाड़ में बड़ी दिक्कत होगी खाना बनाने में, और घर में आसानी से बनेगा, क्यों, क्योंकि पहाड़ में एक्सटर्नल प्रेशर कम है, तो आप टेम्परेचर यहाँ हीट करेंगे वो उड़ जाएगा,
खाना जल्दी पकेगा नहीं। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। नाउ अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हमारे पास है इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इम्प्यूरिटीज। इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इम्प्यूरिटीज, इम्प्यूरिटीज का मतलब क्या होता है, जब आप किसी लिक्विड को मिक्सचर में कन्वर्ट करते हैं। समझ में आ रही बात, नंबर दो, इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इम्प्यूरिटीज। ओके, इम्प्यूरिटीज ऐड करेंगे, ये लिक्विड है आपके पास कोई, इसमें आप कुछ डाल रहे हैं, ओरिजिनल पहले सिर्फ उसी के पार्टिकल्स थे सरफेस पे, अब नए पार्टिकल्स अगर आ गए तो अब इसके पार्टिकल्स जितना वेपर स्टेट में जा रहा था उतने पार्टिकल्स अब जा नहीं सकेंगे। समझ आई मेरी बात, अब उतने पार्टिकल्स वेपर स्टेट में नहीं जा सकेंगे, मतलब नंबर ऑफ वेपर मॉलिक्यूल्स अब घट गए सरफेस में, मतलब वेपर प्रेशर घट गया। यानी कि जब भी आप किसी सॉलिड को ऐड करते हैं या किसी लिक्विड को ऐड करते हैं तो इस लिक्विड का ओरिजिनली वेपर प्रेशर घट गया, क्योंकि नए लिक्विड आ गए ना। तो जब भी कोई मिक्सचर तैयार होता है किसी लिक्विड का तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है। तो जाने दो बातें, वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट is always greater than the vapor pressure of its solution। समझ में आई बात, सोल्यूशन के वेपर प्रेशर से उसके सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हमेशा ज़्यादा होता है। यानी कि जिसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, लिक्विड विच इज हैविंग हाई वेपर प्रेशर विल कन्वर्ट इनटू वेपर स्टेट अर्ली, यानी कि उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन लेस देन, जिसका वेपर प्रेशर ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वेपर प्योर सॉल्वेंट इज ऑलवेज लेस देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इट्स सोल्यूशन। समझ पाए मेरी बात, क्लियर हुई बात। आपके पास प्योर सॉल्वेंट है, मान लेते हैं इसका बॉइलिंग पॉइंट को आपने बोला पी नॉट, ओके पी नॉट, दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और इसको आपने क्या बोल दिया पी एस, ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन इज ऑलवेज ग्रेटर दैन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ओके, नाउ इफ यू फाइंड आउट द डिफरेंस, इन दोनों के बीच में डिफरेंस अगर निकालेंगे, दिस इज बिगर, यानी कि पी एस माइनस पी नॉट। पी नॉट जब भी हम लोग इस तरह से नॉट दिखाते हैं, मतलब हम लोग किसी प्योर स्टेट की बात कर रहे हैं। इससे आपको क्या मिलेगा, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी कितना चेंज हुआ बॉइलिंग पॉइंट में। तो इसको आप क्या बोलेंगे, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट। और ये क्या कर गया, बॉइलिंग पॉइंट इतना इंक्रीज कर गया, पहले आपका इतना था, इतना में इतना ऐड हुआ तो इतना बन गया, यानी कि सॉल्यूशन बन गया। यानी कि जब भी कोई सॉल्वेंट सॉल्यूशन में कन्वर्ट होता है तो उसके बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीमेंट होता है। आई होप यू हैव गॉट माय पॉइंट। और यही इंक्रीमेंट कहलाता है क्या, दिस इंक्रीमेंट इज नोन एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसको आप क्या बोलेंगे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इतना बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट करेगा जब भी किसी सॉल्वेंट को सॉल्यूशन में कन्वर्ट करेंगे। आई थिंक यू हैव गॉट ऑल दिस सिनेरियो। नाउ वी हैव समथिंग ऑपोजिट ऑफ दिस प्रोसेस, दैट इज कंडेंसेशन। जान लेते हैं कि ये कंडेंसेशन क्या है, तब हम लिक्विफैक्शन जान लेंगे, देन वी आर डन विद टुडेज क्लास। ओके, आई थिंक आज हम पूरा ये इंटर कन्वर्जन खत्म कर देंगे। अब क्या बात आती है कंडेंसेशन की, कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन में क्या होगा, आपका वेपर किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होगा।
क्या करेंगे, जब इसको कूल करेंगे, वेरी सिंपल, द कन्वर्जन ऑफ वेपर इनटू इट्स लिक्विड स्टेट ऑन कूलिंग, कंडेंसेशन. क्लियर? नाउ वी हैव लिक्विफैक्शन. नाउ व्हाट इज दिस प्रोसेस? इसमें क्या है कि आपके पास एक गैस है एंड दिस गैस इज कन्वर्टिंग इनटू द लिक्विड स्टेट. ठीक है, ये ओरिजिनली गैस है, ये बन रहा है लिक्विड. ओके, तो इसके लिए दो चीज़ आपको करनी पड़ेगी. सबसे पहले आप क्या करेंगे, प्रेशर को हाई करेंगे. प्रेशर इज इंक्रीज वेरी हाई. नाउ यू हैव टू डू व्हाट, यू हैव टू डिक्रीज द टेम्परेचर. टेम्परेचर को घटाएंगे, प्रेशर को बढ़ाएंगे, तब ये प्रोसेस होगा. अब इस टेम्परेचर को कितना घटाएंगे, दिस टेम्परेचर मस्ट बी डिक्रीज्ड, डिक्रीज्ड बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर, बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर. इग्नोर द साउंड्स ऑफ बाहर, बाहर के साउंड्स को इग्नोर करें. अब ये क्रिटिकल टेम्परेचर, यू शुड नो कि व्हाट इज दिस क्रिटिकल टेम्परेचर. तो जान लेते हैं कि क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है ना, बस टर्म को जान लेते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर. हाई क्लास में इसको आप बहुत डिटेल पढ़ेंगे गैसियस स्टेट में, क्रिटिकल टेम्परेचर. तो क्या है, द मिनिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर है, इसको हम क्या बोलेंगे, द मिनिमम टेम्परेचर, द मिनिमम टेम्परेचर अबव विच अ गैस कांट बी लिक्विफाइड वट एवर द प्रेशर यू अप्लाई. अब कहना क्या चाह रहे हैं कि जब किसी वेपर गैस, सॉरी गैस को आप किस में कन्वर्ट करेंगे, लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे, व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू लोअर द टेम्परेचर, इंक्रीज द प्रेशर. टेम्परेचर को घटाएंगे, पार्टिकल्स की एनर्जी घटेगी, उसके बाद आप प्रेशर लगाएंगे जिससे पार्टिकल्स क्लोज आ जाएंगे, देन यू गेट द लिक्विड फॉर्म ऑफ द गैस. दिस इज व्हाट हैपेंस. लेकिन टेम्परेचर को कितना घटाएंगे, तो एक ऐसा टेम्परेचर होगा, उस पॉइंट को आप बोलेंगे क्रिटिकल पॉइंट. वहाँ से नीचे जब तक टेम्परेचर नहीं जाएगा, जितना प्रेशर आप अप्लाई करते हैं, दैट गैस विल नेवर चेंज इनटू द लिक्विड स्टेट. तो आपको गैस को प्रेशर लगाने से पहले व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू लोअर द टेम्परेचर बिलो इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर. एंड दिस क्रिटिकल टेम्परेचर इज कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक फॉर डिफरेंट गैसेज. हर गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर अलग होता है. इन द सेम वे जिस तरह से हर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट अलग होता है, उसी तरह से हर गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर अलग होता है. इसीलिए मैंने लिक्विफैक्शन को बिल्कुल अलग पढ़ाया. नाउ आप लिक्विफैक्शन को अगर डिफाइन करेंगे तो क्या बोलेंगे, द कन्वर्जन ऑफ, द कन्वर्जन ऑफ अ गैस इनटू इट्स लिक्विड स्टेट, ओके, बिलो इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर, बिलो इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर ऑन द एप्लीकेशन ऑफ हाई प्रेशर. ओके, कितना आसान है, जब प्रेशर हाई करेंगे और टेम्परेचर को क्रिटिकल टेम्परेचर से कम करेंगे तो गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड दिस इज़ कॉल्ड लिक्विफैक्शन. बट द कंडेंसेशन इज़ डिफरेंट. कंडेंसेशन, किसी लिक्विड का जो वेपर स्टेट होता है उसको आप ठंडा करेंगे, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा. लिक्विड का वेपर स्टेट को ठंडा करेंगे, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा. लिक्विड को हीट करेंगे, वेपर, वेपर को ठंडा करेंगे, लिक्विड, वो अलग बात होगी. लेकिन आपके पास प्योर गैस है, इस प्योर गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए आपको टेम्परेचर को क्रिटिकल टेम्परेचर से कम करना पड़ेगा, प्रेशर को हाई करना पड़ेगा, देन यू गेट दी लिक्विड. आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. नाउ वट एल्स, अब हमें और क्या पढ़ना है. अब होता क्या है, आपने फ्रीजिंग को मैंने आपको पढ़ा दिया है. एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सॉलिड सीधे कहाँ चले जाते हैं, गैसियस स्टेट में. दिस ऑल्सो हैपन्स, दिस इज़ वेरी सरप्राइजिंग. क्या होता है कि कोई सॉलिड है वो सीधे वेपर स्टेट में चला जाता है विदाउट अंडर गोइंग इन टू द लिक्विड स्टेट. आपके पास सॉलिड, देन लिक्विड, देन गैस. लेकिन होता क्या है कि आपके पास सॉलिड है, ये सीधे वेपर स्टेट में चला जाता है. कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं. अब इस प्रोसेस को हम कहते हैं व्हाट,
हम कहते हैं इस प्रोसेस को सबलीमेशन। क्या कहते हैं भाई? सबलीमेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सबलीमेशन। तो व्हाट वी नीड टू नो, वी नीड टू नो सबलीमेशन, सबलीमेशन। इस सबलीमेशन में क्या होगा? यू आर हैविंग अ सॉलिड, नॉट ऑल द सॉलिड, सम सॉलिड्स। यहां मैं लिख दूं सम सॉलिड्स, ओके, डायरेक्टली चेंजेस इनटू इट्स गैसियस स्टेट, ओके, या फिर आप इसको कह सकते हैं वेपर, क्योंकि गैस से प्योर गैस के लिए इस्तेमाल करेंगे हम लोग, ओके। लिक्विड है, सॉलिड सीधे वेपर में चला गया, ओके, या फिर आप इसको गैस लिख दें तो नो बिग डील। अब ये वेपर सॉलिड में क्यों सॉलिड वेपर में क्यों कन्वर्ट हो गया? क्योंकि इसको हीट मिला। क्या मिला? हीट। तो ये वेपर क्या हो सकता है? वापस सॉलिड में कन्वर्ट होता है। इसको आप जब क्या करेंगे? कूल करेंगे। दिस इज व्हाट हैपेंस। अब सॉलिड से वेपर का डायरेक्ट बन जाना कहलाता है सबलीमेशन। क्या कहलाता है? सबलीमेशन। और वेपर से डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो जाना भी कहलाता है सबलीमेशन। बट वी हैव अनदर स्पेसिफिक टर्म एंड दैट इज डिपोजिशन। समझ में आ रही बात? वेपर बन गया, पार्टिकल अलग अलग हो गए, फिर से सॉलिड बनेगा। तो फिर से सॉलिड बनना मतलब पार्टिकल एक दूसरे से डिपोजिट हो रहे हैं, उसको डिपोजिशन कहा जाता है। तो ये प्रोसेस का नाम समझ आ गया आपको ना। एग्जाम्पल्स क्या क्या होंगे? अच्छा, जो सॉलिड सबलीमेशन में जा रहा है इसको हम लोग कहते हैं सबलीमेट। क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड सबलीमेट। टर्म्स जान ले बस। एंड दिस इज कॉल्ड सबलाइम, ठीक है। यानी कि जब वेपर बन गया तो वो सब्लाइम, और जब तक सॉलिड है तब तक वो सब्लीमेट। यानी जब प्रोसेस हो रहा है तो इस सॉलिड पार्ट को बोलेंगे सब्लीमेट और गैसियस पार्ट को बोलेंगे सब्लाइम। और इस तरह के सॉलिड्स को आप क्या बोलेंगे? सब्लीमेबल सॉलिड्स। एग्जांपल्स ऑफ सब्लीमेबल सॉलिड्स, सब्लीमेबल सॉलिड्स, कौन कौन सॉलिड सब्लीमेबल हैं? इसमें आपका आयोडीन आता है, ओके, इसमें आपका अमोनियम क्लोराइड आता है, अमोनियम क्लोराइड। इफ़ यू वॉन्ट टू राइट द केमिकल फॉर्मूला, NH4Cl एंड आयोडीन I2, ओके, एंड वी हैव कैम्फर, ओके, एंड वी हैव ड्राई आइस। व्हाट इज दिस ड्राई आइस? दिस ड्राई आइस इज सॉलिड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड जब सॉलिड स्टेट में होता है उसको ड्राई आइस कहते हैं। एंड दिस कैन डायरेक्टली गो इनटू द वेपर स्टेट जब प्रेशर को आप कम करते हैं। वी हैव मोर एग्जांपल्स, इफ यू फाइंड मोर एग्जांपल्स इन योर बुक यू जस्ट राइट डाउन। एंड दैट्स ऑल फॉर द इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। अब अगर मैं समझाऊँ कि ये सॉलिड डायरेक्टली वेपर स्टेट पर क्यों चला जाता है, क्यों? क्योंकि इसके पार्टिकल जब एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है, तो इसके पास इतनी एनर्जी हो जाती है कि अब वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता है। मतलब डायरेक्टली इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी कि वो एनर्जी उसमें मिल जाती है। यानी कि जब वो एनर्जी उतना गेन करता है तो वो एनर्जी कभी भी उसको लिक्विड स्टेट में रख नहीं सकता है, वो सीधे कहाँ चला जाता है? वेपर स्टेट में। तो दिस इज़ व्हाट हैपेंस, ऑल आर बिकॉज ऑफ दी एनर्जी। समझ में आ रही बात? तो अगर आप इन सब को एक साथ मिलाएं तो यहाँ बात आती है थर्मल एनर्जी की। किसकी आती है बात? थर्मल एनर्जी। ये थर्मल एनर्जी का ही डिफरेंस होता है जिससे सॉलिड, लिक्विड और गैस होता है। सॉलिड में थर्मल एनर्जी सबसे कम, गैस में थर्मल एनर्जी सबसे ज़्यादा, लिक्विड में थर्मल एनर्जी इंटरमीडिएट होता है। यानी कि जब कोई सॉलिड लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता है थर्मल एनर्जी बढ़ती है, जब कोई लिक्विड गैसेस स्टेट में कन्वर्ट होता है थर्मल एनर्जी और बढ़ती है, और वापस आएंगे तो थर्मल एनर्जी घटेगी। समझ आई बात? थर्मल एनर्जी बात समझ आई? हीट की वजह से जो एनर्जी आती है उसके अंदर, उसको आप बोलेंगे थर्मल एनर्जी। इसको आप काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी सबका सम कह सकते हैं, क्योंकि हीट की वजह से पहले काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है फिर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, और दोनों को एक साथ मिला के आप क्या बोलेंगे? थर्मल एनर्जी। तो जब कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा थर्मल एनर्जी बढ़ेगी, लिक्विड जब गैसेस स्टेट में कन्वर्ट होगा थर्मल एनर्जी बढ़ेगी। तो दिस इज व्हाट ऑल हैपेंस। अब जब फिजिकल स्टेट चेंज हो रहा है तो सॉलिड है, पार्टिकल क्लोजली पैक है, लिक्विड है, पार्टिकल लूजली पैक है, फ्लो कर सकते हैं। गैस है, पार्टिकल बहुत लूजली पैक है, पार्टिकल बहुत ज़्यादा फ्लो कर सकते हैं। तो अरेंजमेंट बदलता है, सॉलिड में अलग अरेंजमेंट, लिक्विड में अलग अरेंजमेंट, गैस में अलग अरेंजमेंट। तो आप जब किसी मैटर के फिजिकल स्टेट को बदलते हैं, व्हाट यू आर डूइंग बेसिकली, यू आर चेंजिंग द अरेंजमेंट ऑफ
पर्टिकुलर स्टेट, ठीक है। और ये सारे के सारे चेंजेस में पार्टिकल्स का नेचर नहीं बदलता, पार्टिकल्स का अरेंजमेंट बदलता है। पार्टिकल्स के बीच के स्पेस को या तो बढ़ाया जाता है, तो पार्टिकल्स के बीच के स्पेस को या तो घटाया जाता है। पार्टिकल्स नेवर चेंजेस, पार्टिकल्स नेवर लूजेस देयर आइडेंटिटी, एंड हेंस दीज ऑल आर द फिजिकल चेंजेस, दे आर कॉल्ड फिजिकल चेंज। चेंज इन फिजिकल स्टेट मीन्स फिजिकल चेंज। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। वट विल वी डू इन द नेक्स्ट सेगमेंट, वी विल क्लासीफाई matter on the basis of their chemical composition, and that will be very very important. So keep watching our lectures, support us. Support karne ke kai tarike ho sakte hain. I think hum jo aapka description hota hai isme hum donation ke liye jo account details hain wo provide kiye hain, you can donate us. Ya fir aap लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हमारे लेक्चर्स को देखें, कमेंट्स करें, और अगर आपको कुछ कमी नज़र आती है तो प्लीज़ टेल अस, वी विल ट्राई टू इम्प्रूव आवर सेल्फ। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस।